कहा जाता है कि इंटरनेट के इस एंटरटेनमेंट की इस दुनिया में जैसे ही किसी को स्टारडम मिलता है उसके भाव बढ़ जाते हैं। अब इंटरनेट सेंसेशन प्रिया प्रकाश को ले लीजिए जनाब, इनके भी भाव बढ़ गए हैं और इन्होंने डेब्यू फिल्म से पहले ही कर दिया है बॉलीवुड फिल्म को रिजेक्ट। देखिए ये इनसाइड स्टोरी। इन दिनों अगर किसी के चर्चे हो रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रिया प्रकाश हैं। पीछे तो पहले सिर्फ सोशल मीडिया ही दीवाना हुआ जा रहा था, लेकिन अब इनका दीवाना बॉलीवुड भी हो गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम है ऋषि कपूर का, जिन्होंने बकायदा ट्वीट करके इनके लिए प्यार का इजहार किया और ये तक कह दिया कि प्रिया इनके जमाने में क्यों नहीं आई। यकीन नहीं होता ना, तो जनाब जरा ये ट्वीट देख लीजिए, जिसमें पहले ऋषि कपूर ने इनकी खूब तारीफ की और लिखा कि मेरा अनुमान है कि इस लड़की को बड़ा स्टारडम मिलेगा। प्रिया बेहद एक्सप्रेसिव, विनीत और मासूम है। प्रिया प्रिया, आप अपने आयु वर्ग के लोगों को कड़ी चुनौती देने जा रही है। ईश्वर आपका साथ दे और आपका अच्छा करे। और फिर आप देख सकते हैं आगे ऋषि ने लिखा है कि मेरे समय पर आप क्यों नहीं आई। साफ है जनाब, ऋषि कपूर हो गए हैं प्रिया के इन कजरारी नैनों पर फिदा। तभी तो अक्सर सोशल मीडिया में बड़े बड़े बयान देने वाले ऋषि कपूर ने सबके सामने यूं प्रिया के लिए प्यारा सा ट्वीट किया है। फिर देखते हैं अब ऋषि कपूर के ट्वीट पर प्रिया का क्या रिएक्शन आता है। वैसे खबर तो ये भी है कि मैडम के खूब भाव बढ़ गए हैं। जी हाँ, देखते ही देखते प्रिया को जो स्टारडम मिला है उससे प्रिया काफी एंजॉय तो कर ही रही है, साथ ही साथ अब उनके साथ काम करने के लिए फिल्म मेकर्स बेताब हो उठे हैं। बस टॉलीवुड ही नहीं बल्कि हमारे बॉलीवुड के भी। लेकिन जनाब, मैडम ने पहले तो फिल्मों को ठुकरा दिया और अब डेब्यू फिल्म से पहले ही उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है और करोड़ों की डिमांड कर रही है। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो साउथ के एक्टर निखिल सिद्धार्थ की अपकमिंग मूवी के लिए मेकर्स ने बतौर एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश को अप्रोच किया था। इस फिल्म के लिए प्रिया ने लगभग 2 करोड़ रुपए की डिमांड की है। साउथ के अलावा प्रिया को बॉलीवुड से भी ऑफर आ रहे हैं। खबरों में कहा जा रहा है कि एक लेटेस्ट इंटरव्यू में प्रिया ने बताया कि पिंक फिल्म के डायरेक्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने उन्हें ऑफर दिया था और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया था, लेकिन फिलहाल वो जून तक अपनी डेब्यू फिल्म पर ही फोकस करना चाहती है और इसलिए उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे देखते ही देखते प्रिया जलवे दिखा रही है, कहीं कोई फिल्म रिजेक्ट कर रही है तो कहीं करोड़ों की डिमांड कर रही है। देखते हैं प्रिया की डेब्यू फिल्म के रिलीज होने के बाद इनकी कितनी डिमांड रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। Hi, मैं हूँ शिल्पा शिरोडकर और प्लीज कीप वॉचिंग IBC24। Hi, I'm Faisal Khan and you're watching IBC24. Keep watching. Hi guys, this is Gandhi Singh and you're watching IBC24. Hi, this is Ali Fazal and you're watching IBC24. Hello, this is Sandeep Soparkar and you're watching IBC24. Hi, my name is Jay Soni and you're watching IBC24.